हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल ज्ञान पर। आज हम वन प्लस 8 प्रो के बारे में और वीवो X15 प्रो और सैमसंग S10 के तीनों का हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा फ़ोन आपको ख़रीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, और तीनों में क्या क्या फीचर्स है, कौन से एंड्रॉयड पर काम करता है, सारे फुल डिटेल के बारे में बताएंगे। क्या प्राइस है, क्या बैटरी पिकअप है, इन तीनों का हम कंपैरिजन करेंगे। पहले हम सबको इमेज के ज़रिए आपको इनके लुक और डिज़ाइन के बारे में बता देते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं, फर्स्ट वन प्लस 8 प्रो का है। इसका ये डिज़ाइन है, इसके ये 3 कलर्स है और ये S10 है। इमेज के जरिए आपको सब दिखा रहा हूँ मैं। ये वीवो X15 प्रो है। ये देखो शानदार लुक्स है, बहुत सिंपल स्लिम है एकदम। अब हम तीनों का कंपैरिजन करेंगे, वीवो X15 प्रो, सैमसंग S10 प्लस, वन प्लस प्रो 8 प्रो के बारे में तीनों बात करेंगे। अब पहले सबसे पहले बात करें तो रैम के बारे में, कितने जीबी रैम है। वीवो X15 प्रो में 8 जीबी रैम है, वहीं हम सैमसंग में देखें तो S10 प्लस में, वहाँ पे भी सेम 8 जीबी रैम है। अब रैम के मामले में वन प्लस ने यहाँ बाजी मार ली है, 4 जीबी एक्स्ट्रा रैम दे रहा है आपको, 12 जीबी रैम। रैम के मामले में सैमसंग बहुत पछाड़ते हुए वन प्लस बहुत आगे हैं। और स्नैपड्रैगन की बात करें तो 765G X15 प्रो में, वहीं S10 प्लस में देखें तो एनोक्स 9820 दे रखा है, स्नैपड्रैगन 865 वन प्लस में देखा है। स्नैपड्रैगन के मामले में भी वन प्लस 8 प्रो बहुत आगे हैं इन दोनों से। और अब बात करते हैं कैमरे की, बात करते हैं यही कैमरे की बात करें तो X15 प्रो में 4 कैमरे दे रखे हैं और S10 में 3 कैमरे दे रखे हैं, और वन प्लस 8 प्रो में भी 4 कैमरे दे रखे हैं। फर्स्ट कैमरे की बात करें तो X15 प्रो को 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा देगा, सेकंड थर्ड अल्ट्रा कैमरा देगा, तो नाइट शूट के लिए अच्छा होता है वो कैमरा, और दो थर्ड और फोर्थ 18 मेगापिक्सल कैमरा दे रखा है। और ये S10 की बात करें तो हम 12 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा दे रखा है, और सेकेंड कैमरा वो अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और थर्ड 60 मेगापिक्सल कैमरा है। और वहीं अपन वन प्लस की ओर चलते हैं, यहाँ पर 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा दे रखा है, और सेकेंड कैमरा वो भी सेम 48 अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और थर्ड कैमरे की बात करें तो वो थर्ड कैमरा वही सेम 8 मेगापिक्सल और फोर्थ 5 मेगापिक्सल कैमरा। ये हमने कैमरे की बात कर ली। आगे चलते हैं फ्रंट कैमरे की बात करते हैं। X15 प्रो में 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, ये कई मामले में दोनों से बहुत आगे है। 32 मेगापिक्सल अभी तक बहुत ज़्यादा है। और वहीं S10 में बात करें तो 10 प्लस 8 प्लस फ्रंट कैमरा दे रखा है, वहीं वन प्लस 8 प्रो की बात करें 60 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दे रखा है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, बैटरी की। यहाँ पे X15 प्रो में 4315 mAh की बैटरी दे रखी है, वहीं S10 में 4100 mAh की बैटरी देखते रखी है। और बैटरी के मामले यहाँ पे शानदार 4510 mAh की बैटरी दे रखी है वन प्लस, इन दोनों से बहुत ज़्यादा कहीं आगे। और डिस्प्ले की बात करें दोनों में HD डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले दे रखा है, डिस्प्ले के मामले तीनों सेम है। अब बात करें फास्ट चार्जिंग की, 25 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग दे रखा है X15 प्रो में, वहीं S10 में भी सेम 25 वोल्ट का, और यहाँ पे बाजी मार ली है 30 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग दे रखा है वन प्लस 8 प्रो में। अब बात करते हैं प्राइस की, प्राइस की बात करें तो X15 प्रो में 49,990 का प्राइस पड़ेगा इंडिया में आपको, और वहीं S10 की बात करें तो 52,999 पड़ेगा आपको, और यहाँ बात करें तो वन प्लस 8 प्रो की बात करें तो 54,999 पड़ेगा। और आपके आप बताइए आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगा तीनों में से, आप कौन सा फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप